हेलो फ्रेंड्स, आर्चर 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कॉन सीरीज का 8 वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे इनवर्स मैच यूजिंग ग्रेप हाइपन वी ऑप्शन। इनवर्स मैच का यूज क्या होता है कि यदि किसी फाइल से आप कोई पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं या मैच कर रहे हैं और आप उस फाइल में से केवल उन्हीं लाइन्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं जो उस पैटर्न या स्ट्रिंग से मैच ना हो, तो उसके लिए आपको इनवर्स मैच यूज करना पड़ेगा। तो जब भी आप इनवर्स मैच यूज कर रहे हो तब ग्रेप कमांड का जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना ग्रेप और उसके बाद में हाइपन वी ऑप्शन और उसके बाद में वो स्ट्रिंग या पैटर्न आपको लिखना है जो आप मैच करवाना चाहते हैं और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आप ये पैटर्न मैच करवाना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। गेट माई फाइल डॉट txt, तो ये उस फाइल का कंटेंट है। और अब मैं myfile.txt फाइल में से केवल उन्हीं लाइन को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं जिसमें एप्पल नहीं लिखा हो, यानी जिस लाइन में एप्पल स्ट्रिंग अवेलेबल ना हो मैं उन लाइन को प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए ग्रेप कमांड इस प्रकार रहेगा, ग्रेप हाइपन वी और उसके बाद वो स्ट्रिंग या पैटर्न आपको लिखना है जो आप मैच करवाना चाहते हैं। तो अभी हमारे केस में वो स्ट्रिंग या पैटर्न एप्पल है और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है, जैसे हमारे केस में फाइल myfile.txt है और उसके बाद एंटर की प्रेस करनी। तो इस कमांड का जो आउटपुट आएगा वो इस प्रकार आएगा, ग्रेप कमांड myfile.txt फाइल की सभी लाइंस को चेक करेगा और जिस लाइन में भी ये स्ट्रिंग अवेलेबल होगी ये उन लाइन को प्रिंट नहीं करेगा। तो चलिए एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए इसका जो आउटपुट शो हो रहा है उसमें एक भी ऐसी लाइन शो नहीं हो रही जिसमें ये स्ट्रिंग अवेलेबल हो। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग अवेलेबल है एप्पल, लेकिन इस स्ट्रिंग का और इस स्ट्रिंग का केस चेंज है। इसमें एक कैपिटल अपर केस में है और इसमें लोअर केस में, तो दोनों का केस अलग है इसलिए दोनों स्ट्रिंग मैच नहीं हुई है, इसलिए ये जो लाइन है आउटपुट में डिस्प्ले हो रही है। अगर इनका केस मैच हो जाता तो ये लाइन भी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होती। तो यदि आपको केस भी साथ में मैच करना है, यानी अपर केस और लोअर केस दोनों केस भी साथ में मैच करने हैं, तो उसके लिए हाइपन वी ऑप्शन के साथ में आपको आई ऑप्शन और यूज करना पड़ेगा। तो इस कमांड हम एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं आई। अब इस कमांड का जो आउटपुट है वो इस पर आएगा कि myfile.txt फाइल की जिस लाइन में एप्पल लिखा हो, चाहे अपर केस में हो चाहे लोअर केस में, वो लाइन आउटपुट में प्रिंट नहीं होगी, केवल वही लाइन प्रिंट होगी जिसमें एप्पल अवेलेबल ना हो। तो चलिए एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए अब इस कमांड का जो आउटपुट है उसमें एक भी ऐसी लाइन प्रिंट नहीं हुई है जिसमें एप्पल लिखा हो, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस। तो इस प्रकार आप इनवर्स मैच के साथ में केस इनसेंसिटिव सर्च भी आप यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है कि इनवर्स मैच के साथ में मल्टीपल पैटर्न भी मैच करवाने हैं, तो कैसे करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि myfile.txt फाइल में से जितनी भी लाइन है उन लाइन में से ऐसी लाइन प्रिंट नहीं होनी चाहिए जिसमें एप्पल स्ट्रिंग अवेलेबल हो या बनाना स्ट्रिंग अवेलेबल हो, यानी केवल वही लाइन प्रिंट होनी चाहिए जिसमें न तो एप्पल स्ट्रिंग अवेलेबल हो और नहीं बनाना स्ट्रिंग अवेलेबल हो, तो वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यानी मल्टीपल पैटर्न जब भी आपको मैच करवाने हैं किसी फाइल में से इनवर्स मैच के साथ में, तो वो कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना आपको ग्रेप, फिर हाइपन वी और उसके बाद आई, क्योंकि मैं केस इनसेंसिटिव सर्च भी मैं यूज करना चाहता हूं साथ में। उसके बाद आपको लिखना हाइपन ई और उसके बाद में पैटर्न वन, तो पैटर्न वन हमारा है एप्पल, उसके बाद फिर से आपको हाइपन ई ऑप्शन यूज करना और उसके बाद में पैटर्न टू, तो पैटर्न टू हमारा बनाना और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिससे आप सर्च करना चाहते हैं या मैच करना चाहते हैं ये पैटर्न। अब इस कमांड का जो आउटपुट है उस प्रकार आएगा कि myfile.txt फाइल की जिस लाइन में एप्पल लिखा हो चाहे बनाना लिखा हो, दोनों में से कोई भी एक पैटर्न अगर अवेलेबल है उस लाइन में, तो ये लाइन आउटपुट में शो नहीं होगी। यानी इस कमांड का जो आउटपुट आएगा उसमें केवल वही लाइन प्रिंट होगी जिसमें न तो एप्पल लिखा हो नहीं बनाना लिखा हो। तो एंटर की प्रेस करके देखिए, तो देखिए
पर एक भी ऐसी लाइन प्रिंट नहीं हो रही इस आउटपुट में जिसमें एप्पल लिखा हो या बनाना लिखा हो, यानी। तो इस प्रकार आप यूनिवर्स मैच के साथ में मल्टीपल पैटर्न भी आप मैच करवा सकते हैं किसी फाइल से एट अ टाइम। अब मुझे चेक करना है कि ऐसी कितनी लाइंस myfile.txt में अवेलेबल है जिसमें नहीं तो एप्पल लिखा हुआ है नहीं बनाना लिखा है, तो वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको इस कमांड के साथ में एक कमांड और यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको यहाँ पे बीच में पाइप यूज करना पड़ेगा। तो पाइप का यूज क्या है कि जब भी आपको दो कमांड एक साथ यूज करने हो तब आपको बीच में पाइप सिंबल यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लिखना है लाइन काउंट करने के लिए wc-l। तो अब ये कमांड किस प्रकार काम करेगा देख लीजिए। तो इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा उसे एज ए इनपुट पाइप कमांड इस कमांड में पुट करेगा, और उसके बाद उस इनपुट में से टोटल लाइन काउंट करके wc-l कमांड हमें आउटपुट में शो करेगा। तो एंटर की प्रेस करके देखिए, तो टोटल ऐसे 9 लाइन है जिसमें न तो एप्पल लिखा हुआ है नहीं बनाना लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।